हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 6.2 को क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ जो फिगर 6.20 है, साथ में आपको डायग्राम दे रखा है, उसमें DE पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल है OQ के एंड DF पैरेलल है OR के, ये दे रखा है। आपको क्या प्रूफ करना है, जो EF है वो पैरेलल होगा QR के, आपको प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं, गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है। गिवन में लिखा हुआ है DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ एंड सेकंड क्या लिखा हुआ है, एंड DF इज पैरेलल टू OR, गिवन में हो गया। टू प्रूफ देखिए क्या लिखा हुआ है, टू प्रूफ में आपको प्रूफ करना है EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, ये तो सेम क्वेश्चन से हो गया ना। अब देखिए आप समझते हैं इसका प्रूफ, तो सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल लोगे उसके लिए ये देख लीजिए क्या देखा है, DE इज पैरेलल टू OQ, तो DE इज पैरेलल टू OQ दे रखा है, तो इस वाले ट्राइंगल को लेंगे एंड इसको शेड कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इजी हो जाता है ना इसको शेड करने के बाद समझना, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इसमें ट्राइंगल में आपको क्या लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल में लिखा हुआ है कि DE पैरेलल है OQ के, इन ट्राइंगल POQ क्या लिखा हुआ है, DE या ED पैरेलल है, DE पैरेलल है OQ के, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास PD अपॉन DO अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ एंड इक्वेशन नंबर 1 रीजन सेम बीपीटी बाय बीपीटी। बीपीटी पता है, अगर लाइन ऐसे पैरेलल दे रखी है तो साइड्स रेशियो में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल एंड इस ट्राइंगल का नाम क्या है, POR, इन ट्राइंगल POR क्या पैरेलल दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए DF इज पैरेलल टू OR, तो ये यूज करेंगे DF इज पैरेलल टू OR और ये क्या है गिवन, तो आप गिवन यहां पे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो कि आपको दे रखा है। अगर ये गिवन है तो सेम बाय BPT यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये हो गया बाय बीपीटी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को देखना क्या है, वो देखिए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो उनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो उनका राइट हैंड साइड इक्वल लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। एक बार इसको चेक कर ले डायग्राम में, PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR, तो अगर आप बोलना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि अगर आप ये पूरा ट्राइंगल लेते हो तो इसमें साइड्स रेशियो में आ गई, आपने ये प्रूफ कर दिया, साइड्स रेशियो में प्रूफ कर दिया PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR प्रूफ कर दिया, दैट मींस ये दोनों लाइंस पैरेलल। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अभी लिखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR एंड ये कहां से आया है, ये तो आप ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हो, ये तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, तो ये लिख दोगे प्रूव्ड, ठीक है, और या फिर लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3।
तो अगर ये रेशियो में है तो देयरफॉर ईएफ पैरेलल हो जाएगा क्यूआर के। अब इसमें बस एक इंपॉर्टेंट लाइन रहती है, प्रूफ तो आपने कर दिया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.2 जो आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप 6.2 ने लिखोगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अगर साइड्स रेशियो में दे रखी हैं और वो इक्वल है, इनके साइड्स रेशियो में इक्वल है, मींस पीई अपॉन में ईक्यू इक्वल है पीएफ अपॉन में एफआर के, तो जो ये लाइन बनी है ईएफ ये पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के, दैट मींस क्यूआर के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो आपने कैसे किया था, पहले ये वाला ट्राइंगल लिया था, फिर सेकंड ट्राइंगल लिया बीपीटी से और इनको इक्वल किया, तो ये पूरे ट्राइंगल में इनके रेशियो इक्वल आ रहे थे, तो आपने लिख दिया कि हेंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू।